नमस्कार, मैं हूं सरफराज खान और एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त बिजनौर के नूरपुर इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटिश पर्यटक अचानक कार में सवार थे, अचानक वो लापता हो गए। तकरीबन उन्हें 3 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन बिजनौर पुलिस और तमाम खुफिया तंत्र ब्रिटिश पर्यटक को तलाश रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त का है जब 3 दिन पहले ब्रिटिश पर्यटक यानी श्याम इंड्रिश बटुक नाम का 50 साल का ऋषिकेश से कार में सवार होकर लखनऊ की ओर जा रहा था, लेकिन इस दौरान बिजनौर के नूरपुर में पेट्रोल पंप के आसपास गाड़ी किसी काम के लिए रुकी। उसी दौरान जो ब्रिटिश पर्यटक हैं वो लापता हो गए, गुम हो गए। इसकी सूचना यूपी डायल 112 पर उस जो ड्राइवर था उनका, उन्होंने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आनन फानन में कई टीमें भी गठित कर दी हैं, ताकि साथ ही कई खुफिया तंत्र भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ब्रिटिश पर्यटक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बिजनौर के शेरकोट इलाके से आ रही खबर यह है कि एक दुष्कर्म पीड़िता की गाँव के ही ग्राम प्रधान और उसके भतीजे ने दुष्कर्म किया था। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त का है जब 5 नवंबर साल 2022 को पीड़िता जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने के लिए गई थी। उसी दौरान घात लगाए ग्राम प्रधान और उसके भतीजे ने उसकी असमत को रोन डाला था। जब इस बाबत पीड़िता ने अपने परिजनों से आपबीती बताई तो उन्होंने थाने का सहारा लिया। हालांकि पुलिस ने कोई भी उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसको लेकर के पीड़ित के परिजनों ने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के आदेश पर बिजनौर के शेरकोट थाने में पॉक्सो एक्ट 7376 का ग्राम प्रधान और उसके भतीजे के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उसके बाद दूसरी कहानी एक और सामने आई जब 9 फरवरी को अब पीड़िता अपने जीजा के साथ बाइक पर सवार होकर मेडिकल परीक्षण कराकर अपने घर की ओर आ रही थी। इसी दौरान पोषक नहर में किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी और उछलकर उसकी गंगा में वो गिर गई नहर में, और नहर में गिरने के बाद काफ़ी दिन तक पुलिस और निजी गोताखोरों ने तलाश की, लेकिन 6 दिन बाद उसकी सड़ी गड़ी लाश मिली थी। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि इतने दिन बाद भी अभी तक पुलिस ने दोनों खुलेआम आरोपी घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं की है। अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस की सोच और पुलिस की जांच में अब गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी खबर बिजनौर के धामपुर इलाके से आ रही खबर ये है कि घर से लापता रोहित नाम के शख्स की जंगल में आम के पेड़ पर लटकी हुई लाश मिली है। वहीं इलाके के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आनंद फानन में पुलिस के अफसरान वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने लाश को पेड़ से नीचे उतार कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। साथ ही पुलिस के अफसरान कई पहलुओं पर जांच भी पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये हत्या है या फिर आत्महत्या। हालांकि जो मृतक के परिजन हैं उनका साफ तौर से कहना है कि ये पिछले 2 दिन से घर से लापता हो गया था और आज इसकी लाश मिली है, लेकिन परिजनों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि इसने आत्महत्या की वारदात को अंजाम दिया हो। हालांकि पुलिस के अफसरान इन दोनों पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। चौथी खबर बिजनौर के चांदपुर इलाके से आ रही खबर ये है कि एक पिकअप वाहन शराब के नशे में पिकअप वाहन को तेजी से चला रहा था। इसी दौरान वहां पर राहगीर गुजर रहे थे, उनने 4 राहगीर को बुरी तरह से जो है उड़ा दिया और साथ ही एक पशु को भी उसने निशाना बनाया। दरअसल पशु की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने आनंद फानन में CSC में भर्ती करा दिया है। हालांकि 2 लोग जो हैं उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, जिनका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस के अफसरानों ने शराब के नशे में धुत ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया है। पांचवी खबर बिजनौर के नांगल सोती इलाके से आ रही है। खबर यह है कि गर्भवती महिला PHC यानी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नांगल सोती में अपना डिलीवरी करा रही थी, इसी दौरान उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि मृतक के परिजनों का साफ तौर से कहना है कि इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से महिला की मौत हुई है। तमाम मृतक के परिजनों ने नांगल सोती PHC में जमकर हंगामेबाजी की और साथ ही पुलिस को उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ तहरीर भी दे दी है। अब पुलिस के अफसरान पूरी तरह से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।